चलिए देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका ऑब्जर्वेशन होता है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि ये वन अपॉन दो लीनियर फैक्टर हैं, तो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, तो वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का है। तो सबसे पहले आपका इनिशियल ऑब्जर्वेशन, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करेंगे। खैर, और जब भी आपके पास वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का होता है, तो क्वाड्रेटिक को आप क्या करते हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक तो ऑप्टेन करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई कर दोगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू माइनस टू, माइनस टू एक्स, और माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस थ्री एक्स, और माइनस वन इंटू माइनस टू, माइनस माइनस प्लस वन इंटू टू, टू हो गया, है ना। ये क्वाड्रेटिक है, इसे कंपेयर कर लेंगे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आपका ए आ जाएगा वन, बी हो गया माइनस थ्री, और सी हो गया आपका टू। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इट बिकम माइनस थ्री का स्क्वायर और माइनस फोर ए एंड सी, टू हो गया, तो ये हो गया नाइन और माइनस एट, वन आ गया, है ना। डिस्क्रिमिनेंट आपका वन आ गया। अब जैसा फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है कि इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए टाइम्स, मतलब वन टाइम्स एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, b मतलब माइनस थ्री बाई टू ए, ए मतलब वन हो गया का होल स्क्वायर, माइनस d मतलब वन बाई फोर ए स्क्वायर, तो फोर ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर। अब इसको कायदे सॉल्व कर लीजिए, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, थ्री बाई टू हो जाएगा ये, ठीक है, और ये फोर हो जाएगा, तो वन बाई फोर हो गया। वन बाई फोर को आप क्या लिख सकते हो, वन बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ये बाहर वाले ब्रैकेट का कोई जरूरत है नहीं, है ना। तो ये आपका आ गया x माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू का स्क्वायर। अब ये रख दीजिए वहां पे, है ना, इसकी नेसेसिटी नहीं है। वैसे आप दिखा भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना, वैसे दिखा ही देना चाहिए कॉपी में जब क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछा जाए, तो कोई रफ तो होता नहीं कुछ, तो हमें दिखाई देना चाहिए। खैर, वन बाई ये हो जाएगा, इसको आप ये लिख दोगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब ये किस फॉर्म से मैच कर रहा है, क्योंकि ये आपका वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मैच कर रहा है, तो उससे पहले तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन से प्लेस कर दीजिए। लेट x माइनस थ्री बाई टू इक्वल्स टू क्या कर दें हम लोग, t कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, वन डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा t में, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर डी टी। अब ये क्या हो गया, वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ टी मॉड ऑफ टी प्लस जो भी क्वाड्रेटिक है, टी हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर और प्लस सी। अब आंसर हम लोग डमी वेरिएबल में देंगे नहीं, तो t की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो लॉग ऑफ t हो जाएगा आपका x कितना है, माइनस थ्री बाई टू, तो ये माइनस थ्री बाई टू प्लस। अच्छा, यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहिए, है ना, यहाँ पे वही क्वाड्रेटिक प्लेस कर देनी चाहिए जो आपके पास थी, है ना, ये क्वाड्रेटिक जो भी आई थी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अच्छा, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर आएगा आपका सब, अच्छा, मॉड में है और प्लस सी हो गया, ठीक।